नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं डेरा सच्चा सौदा में एक फ्री आई कैंप का आयोजन हुआ है। लगातार 5 दिनों तक चलता है ये आई कैंप, जिसमें कि लोगों को फ्री आंखें दान तक भी दी जाती हैं। जानते हैं आखिर पेशेंट जो आए हैं, जो डॉक्टर्स आए हैं, जो वॉलंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं एज अ सेवादार, की क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच और कैसे यहाँ पर मानवता भलाई की सेवा में जो आज आयोजन हुआ है फ्री आई कैंप का, कैसा है उसका कार्य और किस तरीके से वो कार्य चल रहा है आज डेरा सच्चा सौदा के अंदर। नमस्कार, क्या नाम? मैम डेरा से कब से जुड़ी? मैम क्वालिफिकेशन? मैम आप कहते हो कि बी कॉम क्वालिफिकेशन, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड, उसके बावजूद डेरा से क्या था? ऐसा रिलीजियस है, मतलब फ्री रिलीजियस होते हैं और स्पिरिचुअलिटी का कुछ ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई होता है। जो स्पिरिचुअलिटी में है वो पूरा वेदा मानता है, शायद उससे ज़्यादा कोई क्वालिफाइड या एजुकेशन हो ही नहीं सकता। तो हमारी हर चीज़ जो होते हैं जैसे हम उसको वहाँ से मतलब एडुकेटेड ना आते हैं, अनएडुकेटेड आते हैं, एक विल पावर चाहिए जिसको असल में लाइफ में सक्सेस करने में ऐसी जगह चुनेंगे। मैम आप कहती हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ है जो पा रही है, मगर वही मीडिया एक के बाद एक गलत। मैम अगर सही तरीके से कहा जाए तो मीडिया का ठीक है, मीडिया मतलब वो एक रिपोर्ट फिलर कहते हैं जिसे हमारे कंट्री का, कहीं भी कमी पावे किसी भी कंट्री का काम करता, बट असल में हम उसका जो बैड फीस है, जो बैक बैक सीट में जो काम चलता है, उसकी भी हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर एक चीज़ अच्छी है तो आज से नहीं, मतलब जब से शायद ये चीज़ इन लोगों से संभाली है, जब से नॉलेज अच्छे से आई है, तब से लोगों को पता है कि अगर एक चीज़ अच्छी चल रही है तो उसके अगेंस्ट खड़े होने वाले कहीं ना कहीं से आएंगे। तो वही एक मीडिया का दूसरा जरिया है, मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई तो है वहाँ पर। हमारा भी ऐसा नहीं है, मैम यहाँ पर आज वो डी आई कैंप लगाया गया है, क्या मानना है आपका, मतलब किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से अपने आप थोड़ी मक्की थोड़ी है जो सेल्फलेस सर्विस की अगर हम बात करें, भैया मैंने पहले पूरा वो कर दिया था, फिर डेरा सच्चा सौदा मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने नहीं किया। ऐसे अगर मैं आज वाली वीडियोस देखूंगी घर जाके, अगर खराब हुई ना, जिधर साथ वाला था ना, वो लड़की वाला आया, वो वीडियो जो हम लगवाता था उसको भी इसलिए हटाया यहाँ से सेवा से, वो कैमरा छेड़ता था जिसे आप छेड़ते हैं, जो भी है ठीक है। अगर आज गलत हो गया ना तो साइड होके बैठ, यहाँ यहाँ से लास्ट वार्निंग है। बहुत बड़ी बात थी, चेक हो आज के समय में बहुत बड़ी बात है मैम। मगर एक तो होता है कि आई कैंप में चश्मे देना और एक होता है कि आप भी दान, किस लेवल की सेवा करी है बताइए। बातों में ही पता है कि जमीन आसमान चश्मे ऐसा लगा सकते हैं, हमारे पास 100 रुपये हम वो लगा सकते हैं, उसके बीच हमारे पास 1000 हम एक उसका चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर जितना भी करें वो भी ऐसे माना जाता है, मतलब देखिए एक सेल्फी है मैम, तो डेरा सच्चा सौदा में आंखें भी दी जा रही है। तो मैम इतना बड़ा जज्बा डोनेशन जो आप लोग का आता है, मतलब कहाँ से आता है इतना बड़ा जज्बा? सिर्फ एक जो डेरा सच्चा सौदा के थर्ड मास्टर हैं, प्रेजेंट मास्टर हैं, सही प्रेजेंट हैं, जिनके उन्होंने इस कैंप को इनिशिएट किया है, जिनके बदौलत सब लोग यहाँ पे हैं। मैम समाज में आज गुरु जी ने क्या नुकसान होगा? समाज को अगर सही तरीके से महीनों से देखा जाए ना, कि गुरु जी ने अपने वॉलंटियर से बुला लिया है, मतलब उसी तरीके से इनफैक्ट बढ़ चढ़ के उन चीज़ों में चलते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा मैं ये जो है कि गुरु जी एनी वे साथ साथ चल रही है, समाज को गुरु जी की जरूरत है।
मगर सिर्फ और सिर्फ मीडिया चैनल है हमारे या जो भी मीडिया चैनल्स उस पर ये न्यूज़ नहीं गई कि आज यहाँ पर आई कैंप लगा हुआ के वजह से जो नेगेटिविटी पहले उन लोगों ने फैलाई है, लोग यहाँ पर नहीं आ पाए और उनका इलाज नहीं हो पाया और समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा, रोशनी नहीं मिल पा रही, तो क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? ऐसे चैनलों को बंद करवाए जाए या किसी तरीके की कार्यवाही कराई जाए जो सच नहीं दिखाते, जो समाज कल्याण के लिए नहीं दिखाते? बेरोजगार से निकाल इतना बड़ा बनाते हैं सेलिब्रिटीज के अंदर छोटे छोटे इशू देते हैं, बट जहाँ पे एक्चुअली किसी की मदद होती है उस चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है। तो हमें मीडिया का मैं अपील ये करती हूँ कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसी चीज़ है जिससे देश का और इनफैक्ट इंटरनेशनली कोई भी यहाँ पे आ सकता है तो सबका मतलब मैम अंतिम सवाल ये है कि आप कोविड 19 का इन्फेक्ट अगर हम अपनी लोकेलिटीज में घूमते हैं देखते हैं मार्केट्स और हर जगह इतने रश है और वहाँ लोग कोई भी वहाँ पे मतलब मास्क वगैरह तो ऐसा होता है कोई लगाता है या नहीं लगाता, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं ऑल ओवर यहाँ मास्क है या सैनिटाइजर है या प्रॉपर हो रही है और पेशेंट्स की कोरोना टेस्टिंग हो रही है, जो वॉलंटियर्स उनके बेकार कर रहे हैं उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने सुना कि समाज एक बुराई की तरफ जा रहा है, रोजी की सख्त जरूरत है, ऐसा एक यूथ का कहना है, सोचिए कि कितना बड़ा बयान यूथ की तरफ से आ रहा है कि समाज को आज रोजी की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया चैनलों ने आज ये सच क्यों नहीं दिखाया यहाँ पर आई कैंप है गुरु जी के यहाँ 29वां आई कैंप लग चुका है जिसमें लाखों लोगों को रोशनी मिल चुकी है, आखिर क्यों ये सच छुपाया जा रहा है? दुनिया से लोगों को वंचित किया जा रहा है उनके लाभों से। क्या मीडिया एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं करे? क्या वो चैनल देशद्रोह का कार्य नहीं करे जो कि गुरु जी की सच्चाई ना दिखा के लगातार झूठ दिखा रहे हैं? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत